हे गाइस, वेलकम बैक चैनल, दिस इज पंकज जीजू। कल जो है आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ये अभी कल की ही बात है। और आज आईपीएल के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आईपीएल 2020 को श्रीलंका में कराने की खबरों ने इस समय आग पकड़ा हुआ है। इस खबर ने आग पकड़ लिया, ये खबर आग की तरफ फैल रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आईपीएल 2020 सच में श्रीलंका में होने जा रहा है, साथ ही में अगर श्रीलंका में होता है तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, और साथ ही में ये आपको बताएंगे कि श्रीलंकन बोर्ड ने आईपीएल को लेकर भारत को क्या लिखा है, क्या कहा है। पूरे मुद्दे को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोज आती रहती हैं, क्रिकेट की बातें होती रहती हैं। साथ ही में ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीलंका में आईपीएल क्यों होगा, क्या वो वजह है जिसकी वजह से श्रीलंका में आईपीएल कराना सही रहेगा। देखिए यार, अभी इस समय कोरोना वायरस ने भारत में रफ्तार पकड़ा हुआ है। हर दिन 1000 केसेस जा रहे हैं, 14000 पहुंचने वाला है आंकड़ा। कोरोना वायरस के मरीजों की जो संख्या है वो 14000 पहुँचने वाली है। अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो है कोरोना वायरस के मरीज इस समय बहुत ही कम है, 250 के आसपास वहाँ पर आंकड़ा पहुँचा हुआ है। इस वजह से वहाँ पर जो है आईपीएल कराने के लिए एक अच्छा माहौल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे संख्या इतनी ज़्यादा कम है कि वहाँ पर जल्द से जल्द जो है कोरोना वायरस का प्रकोप ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पर मई जून तक जो है आईपीएल को शुरू किया जा सकता है। तो भारत से पहले वहाँ पर जो है कोरोना वायरस का प्रकोप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आंकड़ा भी कम है और वहाँ पर मरीज जो है दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहे हैं वो भी बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हालातों पर जल्दी ही काबू किया जा सकेगा। इस वजह से वहाँ पर आईपीएल कराना जो है बहुत ही सही रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आईपीएल को श्रीलंका में कराया जाता है तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि टाइम का कोई लोचा नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि कुछ सालों पहले यानी कि 2009 में एक बार आईपीएल को साउथ अफ्रीका में कराया गया था, और वहाँ पर टाइम का बहुत ही लोचा हो गया था, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका की जो टाइमिंग का फ़र्क है वो 5 से 6 घंटों का फ़र्क है, इसकी वजह से टाइम का लोचा हो गया था। श्रीलंका में जो है टाइमिंग सेम रहेगी, जो भारत की टाइमिंग है वही श्रीलंका में भी होने वाली है, तो टाइमिंग का कोई लोचा नहीं होगा। वहाँ के दर्शकों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ के भी व्यूअर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैच प्रेमियों को कोई दिक्कत नहीं होगी मैच देखने में। साथ ही में शाम के 4 बजे के मैचेस भी आसानी से कराए जा सकते हैं, और शाम के 8 बजे वाले जो मैचेस हैं वो भी कराए जा सकते हैं, यानी कि दोनों मैचेस जो है सेम टाइमिंग पे कराए जा सकते हैं जो इंडिया में हुआ करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बीसीसीआई कोरोना वायरस के संक्रमण के आने के बाद एक ऐसा जगह ढूंढ रही थी, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा शहर ढूंढ रही थी जहाँ पर 3-4 स्टेडियम हो और कम ट्रैवलिंग के साथ खिलाड़ियों को एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम जो है भेजा जा सके, और कम ट्रैवलिंग के साथ आईपीएल का आयोजन हो सके। तो श्रीलंका इसके लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि श्रीलंका आपको पता ही कि एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, और वहाँ पर 3-4 अच्छे स्टेडियम भी है, तो कम ट्रैवलिंग के साथ अगर श्रीलंका में आईपीएल होता है तो वहाँ पर कम ट्रैवलिंग के साथ जो है आईपीएल को कराया जा सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि श्रीलंका में अगर आईपीएल होता है तो वो भारतीय दर्शकों को, बीसीसीआई को और खिलाड़ियों को मिल सकते हैं, और साथ ही में श्रीलंका में क्रिकेट खेलना बहुत ही ज़्यादा क्रिकेटर्स जो है पसंद भी करते हैं। श्रीलंका की जो पिचेज हैं वो भारतीय सरजमी से, भारतीय पिचेज से मैच भी खाती है, तो अगर श्रीलंका में आईपीएल होता भी है तो कुछ ज़्यादा हमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर दर्शकों के बीच में आईपीएल होगा, जब अगर श्रीलंका में आईपीएल होता है तो दर्शकों के बीच में होगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ स्टेटमेंट्स आपने पढ़े होंगे कि आईपीएल अगर कराया जाता है तो बंद दरवाजे में कराया जाएगा, कोई दर्शक नहीं आएगा, लेकिन श्रीलंका में आपको बताइए कि 250 के करीब केसेज हैं और जल्द ही हालात पे काबू किया जा सकता है, और वहाँ पर अगर आईपीएल होता है मई के लास्ट में या जून में तो वहाँ पर जो बंद दरवाजे में नहीं बल्कि दर्शकों के साथ में आईपीएल कराया जा सकता है, और बिना दर्शकों का आईपीएल बोरिंग हो जाएगा। जैसा कि आपको सबको पता है कि बिना दर्शकों के, आपने पीएसएल देखा होगा यार, पीएसएल जो होता है उसमें ज़्यादा दर्शक नहीं होते हैं, और वहाँ एकदम मतलब सूना सपाटा सा लगता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिना दर्शकों के जो है क्रिकेट मैच जो है बोरिंग लगने लगता है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि श्रीलंका में अगर आईपीएल होता है तो दर्शकों के बीच में होगा, ना कि बंद दरवाजे में। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि वो क्या स्टेटमेंट आया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इस खबर ने रफ्तार पकड़ लिया और क्रिकेट फैंस की जो उम्मीद है वो फिर से जाग उठी। दरअसल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष समी सिल्वा ने एक स्टेटमेंट में कहा कि भारत के तुलना में
श्रीलंका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, इस वजह से भारत से पहले श्रीलंका में हालात सही हो जाएंगे। अगर बीसीसीआई चाहे तो आईपीएल 2020 का आयोजन श्रीलंका में कर सकता है। अगर बीसीसीआई श्रीलंका में आईपीएल 2020 का आयोजन करता है तो इसके लिए हम तैयार हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो बीसीसीआई को एक पत्र भी लिखेंगे। ये बयान आया और उसके बाद आईपीएल 2020 को श्रीलंका में कराने की खबरों ने जो है आग पकड़ लिया। वैसे अगर आईपीएल को श्रीलंका में कराया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, और वहाँ पे अगर आईपीएल को कराया जाता है तो हम अच्छे से आईपीएल को एंजॉय कर पाएंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि श्रीलंका में आईपीएल 2020 का आयोजन हो सकता है या नहीं, और आप आईपीएल 2020 को श्रीलंका में होते हुए देखना चाहेंगे या नहीं, या फिर सितंबर अक्टूबर में जब भारत में जो है हालात सही होंगे उस टाइम जब आईपीएल पर फैसला लिया जाएगा, आईपीएल कराया जाएगा, तो उस टाइम देखना चाहेंगे या फिर मई जून के आसपास में श्रीलंका में देखना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं अपना ओपिनियन बता दूँ तो मेरे अकॉर्डिंग अगर श्रीलंका में आईपीएल 2020 का आयोजन कराया जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि भारत में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि आईपीएल 2020 को अगर भारत के भरोसे रखा जाए तो वो रद्द हो सकता है। तो इस वजह से अगर आईपीएल 2020 को श्रीलंका में कराया जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, और आईपीएल को अच्छे तरीके से आयोजन भी वहाँ कराया जा सकता है। बाकी आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2020 का आयोजन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ क्रिकेट फैंस के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए, क्रिकेट की बातें करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड लक।